वैरायटीज चाहे जितनी भी फेवरेट हो, एक से दो बार थर्ड टाइम उसे अगर आप खिलाना चाहेंगे तो बड़े हो या बच्चे पक्का अपना मुंह बना लेंगे। तो आज मैं ऐसी ही एक बची हुई चीज को दूंगी मेकओवर और बनाऊंगी दो मजेदार रेसिपी। तो देर किस लिए करना, चलिए शुरू करते हैं बनाना। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज की मेरी लेफ्ट ओवर डिश है इडली। इसे मैंने 3 टुकड़ों में लंबे लंबे साइज में काट लिया है, बिल्कुल फिंगर्स की तरह। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तब हम एक एक करके इसमें सारी इडलियों को फ्राई कर लेंगे। शुरू में हम फ्लेम को हाई रखेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसमें इडली डालें उससे पहले फ्लेम को मीडियम में कर लीजिएगा, नहीं तो इडली जल जाएगी। इडली ऑलरेडी कुक्ड है तो इसे हमें सिर्फ गोल्डन कलर तक फ्राई करना है। देखिए, इडली 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, ये बहुत अच्छे गोल्डन कलर का आ गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद आप इसे चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कीजिए। मेरे घर में तो ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। अब देखिए ये कितना क्रंची बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डिश की ओर, जो है मसाला इडली। उसके लिए मैंने एक पैन में 2 छोटे चम्मच का तेल ले लिया है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए मैंने कुछ लेफ्ट ओवर इडलीज को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम उसे तेल में डाल के शैलो फ्राई करेंगे। ये ऑलरेडी कुक्ड है इसीलिए हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। देखिए बिल्कुल इसी तरह का फ्राई करना है। अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसी पैन में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। ये वही तेल है जिसमें मैंने इडली फ्राई किया है। अब उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी जीरा, राई और कड़ी पत्ता। और जैसे ही जीरे का कलर चेंज हो जाए और सरसों कड़कने लगे हम इस पर डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्ची। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद वेजेस भी डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट, मटर। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्याज ही डाला है। अब हम थोड़े सूखे मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। आप इसमें चाहे तो गन पाउडर या सांबर मसाला भी डाल सकते हैं। सूखे मसालों को हम 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी हम इसमें मिला के चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि इडली में ऑलरेडी नमक है। इसे भी हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। इसमें लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं टमाटर सॉफ्ट हुआ या नहीं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से हम थोड़ा सा मैश कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब हम फ्राइड किए हुए इडली को इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक कि सारे मसाले इडली में अच्छी तरह कोट ना हो जाए और इडली सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब ना कर ले। तो देखा आपने, ये 3 से 4 मिनट में बनके बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम देंगे फाइनल टच, थोड़ी सी कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती। ये डाल के हम इसे भी मिला लेते हैं। तो लीजिए, झटपट से तैयार हो गया हमारा चटपटा मसालेदार इडली। तो अगर अब कभी आपके घर में इडली बच जाए तो आप झटपट से मेरी ये 2 रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा। और इन दोनों रेसिपी में से आपकी फेवरेट कौन सी है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी फेवरेट तो फ्राइड इडली है और देखने में ये बिल्कुल पोटैटो वेजेस की तरह लग रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरा मेकओवर विथ लेफ्टओवर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।